हरि पूछ कीन कपि खेला। पूछ बड़ी हनुमान जी ने खेल किया। राहान नगर बसन घृत तेला। नगर में कुछ नहीं रहा। पूंछ बड़ी जैसी हनुमान जी ने खेल किया। और सठे साठ्यम समाचरित, यहां पर ये सूत्र है हनुमान जी, जैसे को तैसा। हमारा चंगीला, हमारा एक बड़ा प्यारा चेला है चंगीला, आजकल दतिया में रह रहा झंडा गुरु के बगल में। झंडा गुरु भी ऊंची बात, इनके बगल में चंगीला। एक बार चंगीलाल तो चतुर आदमी, महाराज जी क्या हुआ कि चंगीलाल इतना चतुर आदमी के भुट्टों का एक खेत देखा, खूब भुट्टा लगे रहा है। तो चंगीलाल इतना चतुर के भुट्टों के पास गया और जोर से बोला, क्यों 10-12 भुट्टा ले लें क्या? और धीरे से खुदाई ने जवाब दे दिया कि 10-12 क्या, 20-25 ले जाओ, 20-25 ले जाओ। बोले ठीक है धन्यवाद धन्यवाद, नहीं ज्यादा नहीं, 20-25 नहीं लेंगे, 15-20 लेंगे। और उन्हें तोड़े हो लेगा। और किसान बड़ो हैरान, रोज को जो जवाब, किसान हैरान के जवाब को दे दे और फिर जाए। तो बोले क्यों भाई 10-12 तोड़ लें क्या? और धीरे से स्वयं आवाज बदल के कह दे, 10-12 क्यों, 40-50 ले जाओ। एक दिन किसान को होगा दिमाग खराब भाव किसान को। सो नदी में स्नान कर बेगा चंगीलाल, सो बगल में किसान भी स्नान करे और जोर से बोलो, क्यों नदी मैया, चंगीलाल हम 2-4 डुबकी लगवा दें का? और धीरे से खुद बदल के धीरी आवाज में बोली, नदी मैया की आवाज बन के, 2-4 क्यों, 20-25 डुबकी लगवा दो। और पकड़ के करो 20-25-30 बे, सो फुर आ गए चंगीलाल। बड़ी मुश्किल से जब प्राण बचे सो बाहर निकले, बोले बड़ी आफत तुमने जो कहा करो। बोले सठे साठ्यम समाचरे, हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसों ने उपद्रव किया तो श्री हनुमान जी महाराज, आ हा हा, हनुमान जी को 8 उपाधियां हैं। अतुलित बल धामम हेम शैला विदेहम धनुज वन कृषानु ज्ञानी नामा गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराराम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि। हनुमान जी के पास 8 उपाधियां हैं। पहली उपाधि अतुलित बल धामम, हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है। इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में दिया, राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी के पास अतुलित बल है, अतुलित बल धामम, ये पहली उपाधि। दूसरी उपाधि कौन है, मुसैलाभिदेहम, सोने जैसा रूप है हनुमान जी का, स्वर्ण स्वरूप है, सोने जैसे स्वर्ण जैसे दिखते हैं हनुमान जी। कना, इसका जवाब भी हनुमान चालीसा में दिया, कना को बरन तन तेज बिराजा मानव अपर गिरी कर राजा। कनक माने होता है सोना। तो हनुमान जी को दूसरी उपाधि है मोसैलाभिदेहम। तीसरी उपाधि कौन सी, धनुज वन कृषानु, दानवों को मारने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने दिया, असुर निकंदन, धनुज वन कृषानु असुर निकंदन राम दुलारे साधु संत के तुम रखवारे।
तो श्री हनुमान जी महाराज को तीसरी उपाधि है धनुजबन कृषाणु। चौथी उपाधि कौन सी है? ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ श्री हनुमान जी है। इसका जवाब भी हनुमान चालीसा में हुए। जय हनुमान ज्ञान गुण सार। ना ये पांच दिन की हनुमान कथा की पुस्तक बननी चाहिए। एक ही हनुमान चालीसा के अंदर से एक चौपाई से हम 15 घंटे बोलकर बताएंगे। तो श्री हनुमान जी को चौथी उपाधि कौन सी? ज्ञानी नामाग्रगण्यम। लेकिन पांचवी उपाधि कौन सी है? सकल गुण निधानम। सब गुण है हनुमान जी में। सब गुण आए कैसे? सिद्धियों से। सिद्धियां कितनी है? 8। इसका जवाब कहां है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। पांचवी उपाधि है सकल गुण निधानम। अब छठवीं कौन सी? वानराराम धीसम। वानरों के राजा हैं श्री हनुमान जी। कपि श्रेष्ठ हैं। वानरों के राजा श्री हनुमान जी हैं। तो वानराराम धीसम। लेकिन आगे रघुपति प्रिय भक्तम। छठवीं के बाद सातवीं उपाधि है रघुनाथ जी के परम भक्त हैं। इसका जवाब गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में दिया। हनुमान जी ने अपने मुख से भी कहा, अरे हनुमान चालीसा में भी इसका जवाब है। तुम हो मम प्रिय भरतहिं सम भाई। सातवीं उपाधि है रघुपति प्रिय भक्तम। श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। पर आठवीं उपाधि कौन है? वात जातम नमामि। धन्य है ऐसे बानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी, आपके चरणों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे हनुमान जी ही असुरों को मार सकते हैं। किसको मार सकते? इसलिए हम कहते हैं और देवताओं को मत पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी के पास बहुत कुछ है।